तो ये वो वाले अंडे हैं जो कि हमने फैंसी मुर्गी के रखे थे कुछ दिन ही पहले। तो ये देख ले, माशाल्लाह से ये अंडा टूट रहा है। तो काफ़ी अंडे माशाल्लाह क्रैक हो रहे हैं। अभी ये वाला क्रैक नहीं हुआ रहा, बाकी ये वाला भी माशाल्लाह से क्रैक हो रहा है और ये वाला भी क्रैक हो रहा है, ये वाला भी क्रैक हो रहा है माशाल्लाह से, और ये वाला भी क्रैक हो जाएगा इंशाल्लाह से। तो आज से इंशाल्लाह हमारी एग हैचिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो बच्चे निकलना शुरू हो जाएंगे। तो मैं क्लिप्स बना के आप तक शेयर करता रहूँगा जैसे ही जैसे। तो सबसे पहले हमारे पास एक काम है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये दो डब्बे हैं, इस डब्बे में मैंने मुर्गी बिठाई हुई है। तो ये जो घास पड़ा है, घास निकाल कर इसमें सेट कर देता हूँ, लेकिन अंडों को एहतियात से नीचे रख देता हूँ ताकि ये टूटे ना, बल्कि किसी कपड़े के नीचे रखता हूँ, एहतियात करनी पड़ेगी। तो ये मैं हल्का हल्का सा इसमें सेट कर देता हूँ निकाल कर। तो मैंने ये अंडे निकाल कर इसमें रख दिए और घास भी मैंने इसमें से थोड़ा सा निकाल कर इसमें रख दिया है। बाकी रिसेंटली आगे क्लिप में आपको पता चल जाएगा कि चूज़े निकले या नहीं निकले, एक निकला या दो निकले हैं, वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा। तभी के लिए अल्लाह हाफिज़। तो माशाल्लाह से मैंने ये बच्चे निकलते वक्त वीडियो बनाई नहीं थी, तो ये माशाल्लाह से बच्चे हमारे कुछ निकल गए, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये पर सबसे पहले मैं बच्चे मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। ये वाला मैंने अंडा आपको दिखाना था कि यहाँ से ये ना ये क्रैक हो गया था और ये पता नहीं मुर्गी का पाँव आकर टूट गया। तो इसमें मैंने देखा है बच्चा भी है, मगर पता नहीं है बच्चा मर चुका है या ज़िंदा है, कोई इसका कंफर्म पता नहीं है। तो इसको देखने के बाद सुबह अगर निकल गया तो ठीक है, वरना इसको देखेंगे बच्चा क्या मर गया है। तो ये देखें माशाल्लाह से हमारा पहला चूज़ा। तो माशाल्लाह देखें इधर, एक मुर्गी ने पाँव के नीचे देखकर मार दिया। ये मुर्गी ऐसे करती है, लेकिन संभालने पड़ेंगे ये चूज़े, बहुत इनकी केयर करनी पड़ेगी मुझे। तो एक माशाल्लाह हमारा ये चूज़ा है, तो ये हो गया एक माशाल्लाह ब्लैक। ये हमारा ऑस्ट्रेलोप का चिक है, तो माशाल्लाह। और मेरे फेवरेट कलर के चूज़े ये देखें माशाल्लाह से, सिल्वर कलर में माशाल्लाह, अल्लाह नज़र बद से बचाए। माशाल्लाह बहुत प्यारे चूज़े हैं ये वाले, ये सारे फैंसी ब्रीड के चूज़े हैं। तकरीबन पांच चूज़े निकले हैं और एक चूज़ा मार दिया था मुर्गी ने पाँव के नीचे देख कर, और एक ही है। तो दो ये जो हैं वो एक जैसे हैं, और एक आपको और दिखाता हूँ चूज़ा मैं, वो किधर गया, वो अपनी माँ के नीचे होगा, एक मिनट, ये खड़ा है सामने माशाल्लाह। तो ये मेरा फेवरेट चूज़ है माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें। तो ये सारे पांच चूज़े निकले माशाल्लाह से, ये दो एक जैसे हैं और ये दो एक जैसे हैं, और ये ऑस्ट्रेलोप का चीक है। बाकी इंशाल्लाह सुबह मिलते हैं तो इस वाले एग को भी चेक कर लेंगे क्या इसकी पोजीशन है। तो अभी मुर्गी को तंग नहीं करते, तो सुबह मिलते हैं इंशाल्लाह। तभी के लिए अल्लाह हाफिज़। तो ये रहे हमारे माशाल्लाह से चूज़े छोटे छोटे। तो इनकी माँ दाना पानी यानी कि खा पी रही है, मैं इनको भी बाहर निकाल लेता हूँ, लेकिन अभी इन्होंने खाना तो नहीं है, लेकिन फिर भी बाहर निकाल लेता हूँ। इसकी बहुत ज़्यादा एहतियात करना पड़ेगा इनका, ये पाँव के नीचे बच्चा दे देती, इसको संभालने नहीं आते सही तरीके से। तो जब भी अपनी माँ के साथ अगर पानी पीना हो तो पानी पी लेंगे। तो हमारे माशाल्लाह से पांच चूज़े निकले हैं और इस अंडे में कोई हरकत नहीं है, तो ये में अंडा ख़राब है मेरे ख्याल से, तो इसको मैं बाद में देख लूँगा।
तो माशाल्लाह से हमारे ये 5 चूज़े निकल आए हैं। तो वीडियो जितनी बन सकी तो मैंने बना ली, तो इंशाल्लाह ये अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा इनका फर्स्ट दाना पानी और इनकी रूटीन। तभी के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। अगर आपको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में इसी के साथ। अल्लाह हाफिज़।